हेलो दोस्तों, आप लोग को क्या पराठा पसंद है? इसने आज मैं बना रही हूँ पराठा, आलू पराठा। आलू पराठा बहुत स्पाइसी टेस्टी होती है, इसलिए आलू को मैंने भोटी सीटी लगा दी हूँ। कुकुर ने सीटी लगा रहा है। अभी मैं भूनूँगी आटा। आटा का अच्छा से पहले तो छानूँगी। देखिए आटा में कीड़ा कुछ हो सकता है, कचरा। आटा को छान दूँगी, दो बबुला आटा छान दूँगी। देखिए आटा छान चुकी हूँ। इस अभी पानी निकालूँ, पानी गिलास से निकालूँ। बोतल से निकालूँगी तो पानी ज़्यादा भी जा सकती है, इसलिए बोतल से मैं थोड़ा 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 कर कर के पानी डालूँगी। इसको आटा को मैं अच्छा से भून लूँगी, क्योंकि जितना हम लोग आटा अच्छा से भूनूँगी मैं, उतनी परोठा भी अच्छा बनेंगे। इसके लिए थोड़ा परोठा के लिए थोड़ा आटा सॉफ्ट रखूँगी, क्योंकि गर्म आटा होगा तो परोठा भी बेलने में भी आसान होती है। मेरा आटा भी रोटी भी सॉफ्ट बनती है। आटा को गून चुकी हूँ। आटा को गून की देखिए इसको 15-20 मिनट तक इसको छोप ढक के रख दूँगी। रुमाल से कटन के रुमाल से इसको ढक दूँगी, इसको रख दूँगी। अभी हमारा जो परोठा के लिए बोल के आलू भी इसका सीख निकल चुका है, इसको आलू को छील दूँगी, बैठ के छिलूँगी आराम आराम से। देखिए आलू छिल के रखूँगी। देखिए आलू भी छिल के ख़त्म होने वाला है। आलू इसको अभी शुरू में रख दूँगी, कचौड़ा को साइड लगाऊँगी। अभी इसमें डालूँगी प्याज, एक बड़ा प्याज डालूँगी। आलू प्याज की परोठा बहुत टेस्टी होती है। आलू के साथ परोठा मिक्स करूँगी, प्याज मिक्स करूँगी। आलू को मैं इसको ब्रिक ब्रिक करके उबर देती हूँ। इसी में मैंने आलू में प्याज काट दूँगी। देखिए प्याज भी काट चुकी हूँ। अभी दो मिर्चा लगा दूँगी। हम ज़्यादा मिर्चा नहीं खाते, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। मैंने दो ही मिर्ची लगाई हूँ, ग्रीन मिर्ची। देखिए इसमें नमक, मसाला, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर डाल के इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छा से मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने अजवाइन भी डाली हूँ, लेकिन दिखाई तो नहीं हूँ। अजवाइन ने भी परोठा में बहुत टेस्ट लाती है। अभी मैं बनाऊँगी पराठा। परोठा देखिए, परोठा के लिए मैंने वो कर क्या बोलते परोठा करूँगी। रोटी बेल की मैं उसमें मसाला डालूँगी, जो कि परोठा में बनाया आलू वाली मसाला। इसको अभी इसी में वो कर दूँगी। आलू परोठा के आटा लगा के, आटा ना लगाओगे तो चिपक जाती है, इसे आटा लगाना पड़ता है। मैं थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लगाया हूँ, कम कम आटा लगाई हूँ। इसको बड़ा बड़ा रोटी में, छोटा छोटा पराठा नहीं, बड़ा बड़ा रोटी बनाई हूँ, परोठा बनाई हूँ। देखना तवा भर भर की परोठा बन रहा है। बहुत परोठा मस्त होने वाला है। ये रोटी सेकते टाइम में दूसरा की डो तैयार करूँगी। हाँ अभी रोटी को पलट दी हूँ, इसमें अभी लगा दूँगी रिफाइंड परोठा में। देखिए इसमें पर तेल लगा दूँगी, तेल नहीं है रिफाइंड है, 2 चम्मच रिफाइंड लगा दी हूँ। इसको अच्छे से फैला दूँगी कोना कोना तक की, कोना कोना तक रिफाइन पहुँचे। दूसरा पलट की भी इसमें भी रिफाइन लगा दूँगी अच्छा से। जो पाक चुका है देखना कितना बढ़िया मस्त लगा है परोठा। इसको देखिए कितना बढ़िया हो रहा है परोठा। इसको निकाल दी चुकी हूँ, अभी डालूँगी दूसरा परोठा।
इसको भी पलट दूंगी, इसको फिर रिफाइन लगा दूंगी, रिफाइन को अच्छे से फैला दूंगी, इसको पलट दूंगी। मैंने हाई आग में बनाया सेक रही हूँ, हाई गैस में सेक रही हूँ, लो में नहीं, लो में अच्छे से परोठा नहीं पाके जाते हैं, इसलिए मैंने हाई गैस में सेक रही हूँ। देखने इतना बढ़िया बढ़िया लग रहा है, देखिए देखते टाइम में भी बढ़िया बढ़िया लग रहा है परोठा। अभी परोठा रेडी हो चुका है, अभी इसमें मैं अचार सब्जी तो कुछ नहीं बनाई हूँ इसके लिए, इसके साथ खाने के लिए परोठा के लिए दही लाई हूँ, दही दही डालूँगी कटोरी में, दही परोठा अचार, इसको खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, आप दही के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर हमारा पसंद वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, हमारा चैनल को सपोर्ट कर देना, थैंक यू सो मच।